व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा लूथरा और आज मैं आपको बताऊंगी स्टफ्ड शिमला मिर्च यानी भरवा शिमला मिर्च बनाने की रेसिपी। तो चलिए जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए मैंने ली हैं 8 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, हमें चाहिए 4 मीडियम साइज़ के आलू जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है यानी कद्दूकस कर लिया है। कच्चे आलू को कद्दूकस करना है, बॉयल नहीं करना है इसमें आलू को। और मसाले हमें चाहिए नमक स्वाद अनुसार, भुना हुआ जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और कुकिंग ऑयल हमें इसके लिए चाहिए। तो ये तो हुए इंग्रेडिएंट्स, आइए जानते हैं इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले हम शिमला मिर्च को इस तरीके से बीच में एक जगह से स्लिट कर लेंगे और इसी तरीके से सारी शिमला मिर्च हम बीच में से स्लिट कर लेंगे भरने के लिए। ये देखिए इस तरीके से। अब शिमला मिर्च की स्टफिंग हम तैयार करेंगे। ये ग्रेट किए हुए हमारे आलू हैं, इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर थोड़ी खटास के लिए हम ऐड कर रहे हैं और हम ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी फिलिंग तैयार हो गई है, अब हम इसे शिमला मिर्च में फिल करेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको ध्यान से फिल करना है ताकि शिमला मिर्च टूटे नहीं, पूरा इसको अंदर तक फिल कर लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम सारी शिमला मिर्च फिल कर लेंगे। हमने कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें हम भरी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। ये सारी शिमला मिर्च मैंने कढ़ाई में डाल दी है, इनको एक बार हम हिला लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। पाँच मिनट तक इसे हम ढककर पकाएंगे। ये देखिए 5 मिनट तक मैंने इसे ढककर सिम गैस पर पका लिया है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, शिमला मिर्च की साइड मैं चेंज करने वाली हूँ अब, ताकि ये दोनों साइड से पक जाए। ये शिमला मिर्च की साइड चेंज कर दी है, अब इसे फिर से ढककर 5 मिनट के लिए सिम गैस पर मैं पकाने वाली हूँ। ये देखिए फिर से 5 मिनट के लिए मैंने कुक किया है। अब हम दोबारा से इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि हर साइड से ये अच्छे से पक जाए। और फिर से इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। ये देखिए अभी हमारी शिमला मिर्च ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए खुला फ्राई कर लेंगे। बार बार इसे हिलाते रहिए बीच बीच में, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए हमारी शिमला मिर्च ऊपर से नीचे से हर तरफ से पक चुकी है, अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे। तो ये देखिए हमारी चटपटी भरवा शिमला मिर्च रेडी है। आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक के बटन पर हिट करना मत भूलिए।
अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए अपलोड्स के अपडेट्स आपको मिल सकें। एक अच्छी सी रेसिपी लेकर मैं आपके पास फिर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।